हुआ। मोदी जी ने साथ दिया, तीन तलाक जैसी कुप्रथा का अंत माननीय मोदी जी सरकार ने किया है। इसके फैसले से हम बहुत खुश हैं। आज हमारी दयनीय स्थिति सुधर रही है सिर्फ मोदी सरकार बदौलत, और हमारे अधिकारों का समर्थन हो रहा है, और हमारी पीड़िता जो हैं जो आज खुश हैं कि जिनको इस प्रथा से आज़ादी मिली, हमारी इस प्रथा से आज़ादी मिली। और जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम यदि पीएम बन के आते हैं तो इस तीन तलाक जैसी कुप्रथा का अंत कानून को ख़त्म कर देंगे, तो गलत सोच रहे हैं। हमें एक मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत सरकार नहीं चाहिए। और ये कह के उन्होंने हमारी महिलाओं को भड़का दिया, जो आज हम डरे हुए हैं, आज खुली हवा में जी रहे थे, लेकिन उनके एक वर्ड से हम काफ़ी बिल्कुल परेशान हालात में हैं। हम ये नहीं चाहते, हम मोदी जी का मान सम्मान करेंगे और यही चाहेंगे, उनके साथ हैं कि फिर से वो दोबारा हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और हमारे शहर के सांसद बने। मोदी जी को हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद दे रहे हैं, इसलिए कि हम लोगों को ये जो तीन तलाक वाली स्थिति थी वो ख़त्म किया, और उसके बाद धीरे धीरे हर एक चीज़ लेडीज़ों के लिए अच्छा कर रहे हैं। जितनी मुस्लिम महिलाएं आज खुली हवा में सांस ले रही हैं, अपने ऊपर चल रही हैं, कि उनको कोई परेशानी नहीं हो रही। इसके पहले जो भी सरकार आई तो लेडीज़ को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बाहर निकलना मुश्किल था। अब मोदी जी के आने से थे तो हम लोग खुली हवा में जी रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हमको आगे बढ़ने का मौका भी दिया जा रहा है और हमको काम भी करने का मौका मिला। हम लोग को धन्यवाद इसलिए दिए हैं कि कानम हर महिला को, मुस्लिम को और मुस्लिम को बच्चे को, और सभी मतलब कि महिलाओं या एजेंट्स के जो जिसको भी है, बहुत अच्छी से मतलब कि जीना पड़ता है और जाना भी पड़ता है। हर तरह के उनके मतलब कि हम धन्यवाद दे रहे हैं, इसलिए कि का नाम कि जो हर हत्या करते थे या कुछ भी करते थे तो उसके लिए बहुत मोदी जी ने सुविधा दिए हैं कि का नाम जो अपराधी है उसको सजा मिलना चाहिए। तलाक वाले भी अच्छी दिए सुविधा, बस उनसे यही है शिकायत कि तीन तलाक वाला दिए हैं, उसके बाद में हलाला भी खत्म करें। जो ये कार्यक्रम रखा गया हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों की तरफ से रखा गया है, वो इसलिए कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीन तलाक के मुद्दे को समाप्त किया और इनको एक स्वावलंबन की एक कड़ी में आगे बढ़ाया और इनको इनका अधिकार दिलाया, इन्होंने उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। साथ में जितनी भी विकास की योजनाएं चल रही हैं वाराणसी में या पूरे देश में, उसके लिए भी इन लोगों ने धन्यवाद किया, और साथ में अपनी ये मांग भी रखी कि हलाला के मुद्दे को और जितनी भी कुरीतियां हैं उनको भी किसी न किसी तरीके से कानून के दायरे में ला करके दूर किया जाए, चाहे वो किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म से संबंधित हो। इस तरह के जो वाराणसी में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं की इच्छा थी कि प्रधानमंत्री जी ने तीन तलाक खत्म किया है, तो हम लोग एकत्रित होकर एक स्थान पर उनको धन्यवाद दें, और उनके धन्यवाद उनका कहना है मुस्लिम महिलाओं का कि प्रधानमंत्री जी ने हमारा साथ दिया और तीन तलाक जैसे नरक से हमको मुक्ति दिलाया है, और हम लोग भी पूरे तन मन धन सभी प्रकार से प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और उनको सर्वाधिक मतों से वाराणसी से जिताएंगे और पुनः प्रधानमंत्री बने, और जिस तरह से तलाक खत्म हुआ उस तरह से हलाला भी खत्म करें। द भारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।